घटनाओं से जुड़ना चाहूँगा। पहला 25 नवंबर की घटना होती है। 25 नवंबर की घटना में सुरेंद्र सिंह से लेकर के तमाम लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट ट्राइब बैकवर्ड के लोग उस यात्रा में हिस्सा नहीं लिए, तो उनकी जो संख्या 10 लाख पहुँचने वाली थी वो 10,000 भी नहीं पहुँच पाई, तो ये लोग बहुत हताश थे। तो राजस्थान में योगी जी जब प्रचार के लिए जाते हैं तो योगी को लगता है कि हम शेड्यूल कास्ट को ट्राइब को कैसे जोड़े अपने आप से, तो उन्होंने जोड़ने को एक तरीका समझा कि यार हनुमान को दलितों का भगवान बना देंगे तो हो सकता है हनुमान जी उससे जुड़ जाएंगे। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि हनुमान जी आपको तो अब जागरूक हो जाना चाहिए, आपको किसी के चरणों में बैठने की ज़रूरत नहीं है। SC ST एक्ट लागू हो चुका है, जो भी आपका शोषण करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, चाहे वो कौनो भगवान हो चाहे भगवान को बताने वाले लोग हों। और दूसरी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनकी नफरत देखिए आप ना, योगी ने कहा कि हनुमान दलित हैं, ठीक है, हालांकि हम दलित शब्द का बहिष्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने शब्द बोला था इसलिए बोल रहा हूँ। योगी ने कहा कि हनुमान दलित हैं, तुरंत ब्राह्मण महासभा ने कह दिया कि नहीं, ये भगवान का अपमान है। यानी कि भगवान को अगर दलित कह दिया जाता है तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया, और भगवान के मंदिर में दलित को आने नहीं दिया जाता, दलित को आने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो दलित है वो भगवान कैसे और जो भगवान है वो दलित कैसे है, सवाल ये आके रुकता है कि जो दलित है उसे भगवान कैसे कहा जा सकता है और जो भगवान है उसे आप दलित कैसे मान सकते हो। बिल्कुल, दलित मतलब गुलाम। मेरा मानना है कि वास्तव में हनुमान जी गुलाम थे, अब आप उनको चाहे तो समझिए। अच्छा, एक हमारे मित्र हैं एडवोकेट रामवीर चौहान जी। जी जी, रामवीर चौहान जी से अभी मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये कहा कि दलित तो बता दिया हनुमान को। जी जी, क्या योगी जी राम के पूर्वज दलितों को बताते तो वो तलवार निकाल के जी लड़ना सीखते और पार्लियामेंट में पहुंचते। बिल्कुल, बिल्कुल, पर हनुमान को बता करके उन्होंने गुलामी का एहसास दिला दिया, उनकी औकात दिखा दी कि आप पैरों में बैठने वाले हो, चरणों में रहने वाले हो, तलवार निकालने वाले नहीं हो। इतना ही नहीं साहब, उसके साथ एक बात उन्होंने और भी जोड़ा कि हनुमान को जब उन्होंने दलित कहा उसके साथ ही उन्होंने अपने आप को राम से जोड़ा। उनका जो एक छत्रीपन का चेहरा है, जो ठकुरई चेहरा है, वो निकल के आई। उन्होंने हनुमान को दलित तो कहा ही कहा, उसके साथ उन्होंने अपने आप को राम से जोड़ा और बताया कि इस देश को शेड्यूल कास्ट के लोग हो, तुम लोग दलित हो, वोट दो बस। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लड़ाई राम और रावण की थी, हनुमान नहा कि अपना पूछ जला बैठे। तो यहाँ पर इस देश के शेड्यूल कास्ट ट्राइब को समझना चाहिए कि लड़ाई जो है उन्हीं लोगों की है, उन लोगों की लड़ाई में हम लोगों को नेता नहीं बनना चाहिए, हम लोगों की अपनी लड़ाई खड़ी करनी होगी। हमारा अपना समाज है, हमारे पास अपनी जमात है, हमारे पास अपना वर्ग है और हमारे पास अपने एक राजनीतिक महापुरुष हैं, सामाजिक महापुरुष हैं और हजारों साल के उस महापुरुष हैं जिनकी विरासत हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिनके खून पसीने की वजह से यार हम लोग एक बढ़िया सा सूट बूट कपड़ा पहन के टाई बेल्ट लगा के चल रहे हैं। हमको उनको पुरखे की विरासत को बचाने की जरूरत। जी जी, सूरज जी, क्या ये ध्यान भटकाने की वाली बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हम लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई जो है हमारी वो पार्लियामेंट में जाने की है। जी जी, ये मंदिर की तरफ हमें डाइवर्ट कर रहे हैं और पार्लियामेंट से हमें हटा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि योगी ने जब तुम्हें दलित कह दिया तो मंदिर कब्जा करने चल बैठे, ठीक है, ऐसी बात है, मैं तुम्हारे इस जज्बे को सलूट करता हूँ, लेकिन मैं एक बार तुमको याद दिलाना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें इस मुल्क का शासक बताया है। बाबा साहब ने कहा कि जाओ इस देश की दीवारें पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तो ठीक है, योगी ने दलित कहा, तुमने दलित बन करके हनुमान मंदिर कब्जा करना शुरू किया, अब बाबा साहब ने तुमको कहा कि तुम इस देश के हुक्मरान हो तो राम को छोड़कर के चलो संसद कब्जा करने चला जाए, जी बहुजनों की एक सरकार बनाई जाए, तो हमको इस दिशा पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जी मेरे को उसका सन याद नहीं आ रहा है, उसमें ये कहा था कि रामायण जो है वो एक काल्पनिक कथा है। जी जी, काल्पनिक कथा का मीनिंग क्या होता है? मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा। मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा इसके साथ, एक होता है फैक्ट, दूसरा होता है फिक्शन। जो फैक्ट होता है फैक्ट एज इट इज़ होता है, और जो फिक्शन होता है, फिक्शन एक रूमर होता है, अफवाह होती है, एक तसव्वुर होती है, कल्पना होती है। तो दरअसल कई फैसलों में कहा है, मार्कंडेय कार्जुन ने यहाँ तक भी कहा है कि इस देश के आदिवासी इस देश के असली मूल निवासी हैं, द्रोणाचार्य ने बहुत गलत किया था, अपराध किया था एकलव्य का अंगूठा काट करके, मार्कंडेय कार्जुन साहब का बयान रहा है। ललित सिंह यादव के फैसले में एक राम को ही नहीं, पूरे राम रामायण पूरे महापुरुषों को, उनके पूरे भगवान को बताया गया कि काल्पनिक कथाएं थी। दरअसल ये केवल काल्पनिक कथाएं ही नहीं थी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा,
हनुमान एज इट इज नहीं थे, दुर्राचार हो सकता है एज इट इज नहीं थे, एकलव्य एज इट इज नहीं थे, लेकिन जो कहानी लिखी गई है ना वो हमको ये संदेश दे रही है कि अगर आपके समाज का, शूद्र समाज का कोई जम्बूक ऋषि बनने की कोशिश करेगा, कोई पढ़ने लिखने की कोशिश करेगा, कोई शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश करेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा। राम ने काटा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वह कहानी एक संदेश देती है कि ऐसे समाज में भी एक ऐसी प्रथा रही होगी कि जो पढ़ना चाह रहा था उसका अंगूठा काट दिया जा रहा था, जो तीर धनुष से जो लड़ाई करना चाह रहा था, जो छत्री की जो उनकी शैली थी, जो जिसके अंदर वो क्वालिटी थी, जो मेरिटोरियस थे, उसके अंगूठा काट दी जा रही थी। ये कहानी एक हमको बस एक मतलब एक सीख पीस करती है, एक फेस हमारे सामने प्रेजेंट करता है, बस हमको उतना सीख लेने की जरूरत है। मैं कुछ हजार साल पीछे जाऊंगा। जी जी, क्या ये दोबारा से वही चीज नहीं हो रही रिपीट, जैसे कि वाल्मीकियों के साथ किया गया? जी जी, जो हमारे भंगी कास्ट में वाल्मीकि जो आते हैं, कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। जी जी, तो जब 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 नीची जात वाली या छोटी जात वालों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो उन्होंने रामायण लिख कैसे दी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ एक चीज़ और है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी भी है तो मान लीजिए कि और वाल्मीकि जी को भंगियों का, भंगी जो कास्ट है उनका और वाल्मीकियों का आदर्श बना दिया, भगवान बना दिया, इसी तरीके से अब दलितों का भगवान इसको हनुमान को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जब पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, ओढ़ने पहनने चलने खाने पीने रहने सहने ओढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख कैसे दी? ठीक है, मैं वाल्मीकि की बात को हनुमान से एक बार फिर से जोड़ना चाहूँगा। जब उन्होंने हनुमान को दलित बता ही दिया है, लगे हाथ एक चीज़ यह भी बता दें कि हनुमान जो उड़ा करते थे वो आरक्षण की वजह से उड़ रहे थे, उनके अंदर योग्यता थी इसकी वजह से उड़ रहे थे। एक बार योगी इस चीज़ को बता दे, या तो हनुमान आरक्षण कोर थे या तो हनुमान काबिल थे। खैर, ये चीज़ योगी से मेरा सवाल है। दूसरा कि आपने वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने रामायण लिखी, आपने बहुत वाजिब तर्क दिया कि जब शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो रामायण कैसे लिख सकता है। दूसरी उसके साथ एक तर्क और भी है कि जब कोई शूद्र समाज का बंदा शूद्रों के इतिहास पर कुछ लिखेगा या इस मुल्क के इतिहास पर कुछ लिखेगा तो क्या जिस समाज का बंदा है वो समाज के खिलाफ लिखेगा? मान लीजिए एक महिला अगर महिला दर्शन पर कुछ लिख रही है, एक नारी नारी दर्शन पर कुछ लिख रही हो, एक स्त्री स्त्री चिंतन पर कुछ लिख रही हो, शेड्यूल कास्ट का बंदा है वो डिप्रेस क्लास के चिंतन पर कुछ लिख रहा हो, तो क्या उसके खिलाफ लिखेगा? एक महिला कभी प्रसव पीड़ा के खिलाफ लिख सकती है? एक महिला कभी बताएगी प्रसव पीड़ा में दर्द नहीं होता है? एक महिला कभी स्त्री के खिलाफ लिखेगी? तो अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो वाल्मीकि पूरा रामायण शूद्रों के खिलाफ क्यों लिखे, इस बात को हम सबको समझने की जरूरत है। दरअसल ये काल्पनिक महापुरुष गढ़ रहे हैं, हर जातियों के अपने महापुरुष बना रहे हैं। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, लखनऊ में खटिक सम्मेलन, लखनऊ में चमार सम्मेलन, जाटव सम्मेलन, पासी सम्मेलन हो रहा है, मतलब जाति सम्मेलन कर रहे हैं। जाति सम्मेलन जब करेंगे तो 6,743 जातियाँ बनेंगी, उनके अपने 7 गोत्र बनेंगे, 6,42,000-45,000 जातियाँ बनेंगी, गोत्र बनेंगे, उसमें आप लोग लड़ते रहें। और जो बाबा साहब कहते हैं कि लेट्स एनिलीर द कास्ट, आओ जाति ख़त्म करें, हम जाति ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जिसे मानवर साहब कहते थे कि ठीक है जाति ख़त्म नहीं हो रही तो हम जमात बना दें, चमार पासी धोबी देगा रहिर कुहार कुर्मी गरड़िया मिल करके हम लोग एक जमात बना दें बहुजन समाज की, वो न बन पाए। इसलिए ये लोग राष्ट्र का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के ये लोग एक कवायद खड़ी कर रहे हैं जो पूरी तरह से निरर्थक, बेबुनियाद और एक ऐसी आधार पर खड़ी है जिसका अपना कोई आधार नहीं। आधार नहीं है तो योगी जी और मोदी जी, जी ये दूसरों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्या लड़ाई से ही ये सत्ता हासिल कर सकते हैं? दरअसल पहले हिंदू मुसलमान कर देते हैं, बीच में गायें ले आते हैं, कोई मुद्दा ऐसा ले आते हैं, अब नोटबंदी को काटने के लिए कुछ और ले आए। जी जी, हम कह रहे हैं अगर मोदी जी नोटबंदी सफल थी, अगर मोदी जी की GST सफल थी, मोदी जी का विकास सफल था, तो वो गाय गोबर गौमूत्र गीता राम मंदिर पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो GST पर चुनाव लड़े, वो नोटबंदी पर चुनाव लड़े ना, वो काले धन पर चुनाव लड़े, वो 15 लाख पर चुनाव लड़े, 2 करोड़ रोजगार पर चुनाव लड़े ना, वो पकौड़े तलने वाली कवायद पर चुनाव लड़े ना, उस पर वो नहीं लड़ेंगे। दरअसल ये जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है ना, इस देश में जब तक हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होगा तब तक इस देश में हिंदुओं का शासन बना रहेगा। इस देश में जब तक गंगा जमुनी तहजीब बनाई जाएगी, बचाई जाएगी, तब तक हिंदुओं का शासन बना रहेगा। इस देश में जब तक ये लोग
सिर्फ क्या नाम है कि हिंदू मुस्लिम बनाते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जैसा मैंने कहा शेड्यूल कास्ट का बंदा कब हिंदू बन जाए कहा नहीं जा सकता, शेड्यूल ट्राइब का बंदा कब हिंदू बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए बहुजनों की एकता को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता शब्द का ईजाद किया गया है, और बहुजनों की एकता तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई है इसको भी ईजाद किया गया। यही लोग बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एकता करेंगे, यही लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एक को नहीं। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा जी कि जितने भी दलित हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जी जी, वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, जी जी, क्या बौद्ध धर्म में वो ना जाएं हिंदू लोग, जी जी, यानी दलित या पिछड़े आदिवासी लोग जो हैं, ये हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में ना जाएं, क्या इसलिए भी ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल सबसे पहली बात, बुद्धिज्म एक धर्म है जी, और ये लोग दरअसल करते कैसे हैं, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ कि पीपल के वृक्ष नीचे छाया ज़्यादा रहता है, वहाँ हवा अच्छी मिलती है, वहाँ पर एक सुकून सा फील होता है लोगों को। तो इन लोगों ने क्या किया, पीपल के वृक्ष में इन लोगों ने पहलवान बाबा को बैठा दिया, पहलवान साहब को बैठा दिया। गाँव में हर पीपल के बीच में एक पहलवान साहब बैठते हैं। अब सोचिए इस चीज़ को। तो ये लोग दरअसल बुद्धिज्म से हमेशा से डरे रहे हैं। तो ये लोग जब हमारे समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग जब बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म दुनिया में जितने धर्म हैं साहब, दुनिया में जितने धर्म हैं, हर धर्म की शुरुआत आस्था से होती है और हर धर्म की समाप्ति जो है वो मोक्ष से होती है। लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म है जिसकी शुरुआत आस्था से नहीं, जिसकी शुरुआत संदेह से होती है, तर्क से होती है, रहस्यवाद से होती है। गौतम बुद्ध का पहला सिद्धांत ही है रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब राम महान थे, सवाल करो, रहस्य पैदा करो, तर्क करो, तो सवाल करना सीखे। मतलब आस्था मतलब क्या, एक इंसान का सर काटा, हाथी जोड़ा, गणेश तैयार, सवाल मत करो, आस्था है तुम्हारी। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है, सवाल करना लोग सीखते हैं, और दुनिया के जितने धर्म है सब लोग वहाँ पर मुक्ति प्राप्त होते हैं, मतलब अपने आप को संपूर्णता की प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं हम निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम अपने आप को फनाह कर रहे हैं, हम अपने आप को विलीन कर रहे हैं, हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बुद्धिज्म दरअसल मोर साइंटिफिक रिलीजन है, मोर साइंटिफिक एक वे ऑफ लाइफ है, मोर साइंटिफिक जो है एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमनिटी की फीलिंग होती है, जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की फीलिंग होती है। इसे बाबा साहब जब कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति से इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की शब्द की शुरुआत नहीं हुई थी, ये शब्द गौतम बुद्ध के धम्म से लिया गया, जो गौतम बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखते हैं बाबा साहब, बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखते हैं बाबा साहब, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स में इन सब सारी चीज़ को लिखते हैं। दरअसल हमारे समाज के लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी तर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति को नकार करके श्रमण संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए इन्हें डर लग रहा है, इसलिए ये लोग जातियों के महापुरुष खड़ा कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के लोग जाति में ही अटके रहें, वो लोग रोजगार पे बात न करें, वो लोग अपने क्या नाम बहुजनों के अधिकार पे बात न करें, 85% आरक्षण पे बात न करें, वो लोग इस देश के जल, जंगल, जमीन के बंटवारे की बात न करें, धन और धरती के बंटवारे की बात न करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति के बंटवारे की बात न करें, वो लोग महज घंटा हिलाते रहें, ये लोग यही चाहते हैं।